नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी और कमर छठ, जिसे ललही छठ भी बोला जाता है, तो उसकी कुछ क्लिप मेरे पास थी तो वही आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये आ गई हूँ मैं अपने मोहल्ले के मंदिर में, तो देखिए कितने अच्छे से राधा और कृष्ण जी को सजाया गया है, और राधा और कृष्ण जी की मूर्ति एकदम मनमोहक लग रही है। तो यहाँ पे मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ मंदिर में, और यहाँ पे मैं उन्हें पुष्प अर्पित कर रही हूँ राधा कृष्ण जी को। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी के लिए कुछ क्लिप मैंने बनाया है। ये है छोटे कान्हा, जो देखिए कितने अच्छे से खेल रहे हैं बांसुरी लेके। ये छोटा सा कान्हा मेरे देवर का बेटा है, तो इसे हमने तैयार कर दिया था और ये इतनी सारी चूड़ियों से खेल रहा है। बहुत ही नटखट है, बिल्कुल भी एक जगह नहीं बैठता है, दिन भर बस इधर उधर ही चलता रहता है। तो हम लोग चूड़ी दिए हैं खेलने के लिए, ताकि वो शांति से फोटो खिंचवा सके। सारी चूड़ियों को उठा के फेंक रहा है, और साइड में जो बिस्तर होता है तो बिस्तर के साइड में भी चूड़ियों को गिरा दे रहा था। देखिए क्या कर रहा है बांसुरी से, और अपने हाथों में पहन रहा था चूड़ियों को, और फिर अपने पैरों में भी पहन रहा था। बहुत ही नटखट है, बहुत ही ज्यादा। देखिए कैसे अपने पैरों में चूड़ियों को पहन रहा है, और पैर से फेंक भी रहा है चूड़ियों को। अब यहाँ पे देखिए कैसे अच्छे से डांस भी कर रहा है कूद कूद के। और इसको तैयार कर रहे थे तो बार बार टीका अपना मिटा दे रहा था, और टीका नहीं लगवा रहा था जल्दी से। चेयर लेके इधर से उधर कर रहा है, कभी टेडी को चेयर पे बैठा रहा था तो कभी टेडी को पटक दे रहा था, और फिर चेयर को भी पटकना है इनको। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो फ्रेंड, कुछ क्लिप मैंने कमर छठ के दिन की डाल दी है इसमें, जिसे ललही छठ भी बोला जाता है या कमर छठ बोला जाता है। ये व्रत बेटों के लिए होता है, जिनके बेटे होते हैं, और माना जाता है कि जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी ये व्रत रह सकता है। तो कूस को मिट्टी में लगा के पूजा की जाती है ललही माता की, और लाल कूस चढ़ता है, महुआ चढ़ता है, और टीने का चावल चढ़ता है, और इसमें भैंस का दही, भैंस का घी चाहिए रहता है, और घर में जो भी साग उगा हो और हरी मिर्च उगा हो, तो लाल टीने वाला चावल और साग इसमें खाया जाता है ललही छठ के दिन।
महुए का दातुन करना रहता है, और महुए के पत्ते पे ही रख के पूजा करना रहता है। महुआ और टीने वाला चावल इसमें चढ़ता है, और फूल चढ़ता है, सिक्का चढ़ता है, और एक हाथ से कूस को गांठ बांधना रहता है, और फिर पीले सिंदूर से टीकना रहता है। तो मैं और मेरी देवरानी दोनों जन यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और फिर 3-4 बजे शाम को टीने का चावल और साग घी में मिर्ची से छौंक के बनाते हैं और खाते हैं, और इसमें जो चढ़ाए रहते हैं चावल, उसमें से बीन के 6 ठोक चावल हमको दही के साथ घोटना रहता है। जिनके जितने बेटे रहते हैं वो एक बेटे के लिए 6 चावल घोटता है दही से। और यहाँ पे अगरबत्ती दिया जला रहे हैं हम लोग। अब हमारी पूजा हो चुकी है, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई और मेरे छोटे से कान्हा आपको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।